Hi guys, welcome to my channel. This is Peshri Rao and welcome to Pink Forest Villa. Please ignore my voice because definitely I'm suffering from fever and all. But आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ अपने हेयर के रूटीन के बारे में. एंड आप में से सभी लोग यू नो मेरे पास तो एकदम गवाह के तौर पर मौजूद हो कि मैंने कितने बाल अपने कटवाए हैं, कितनी बार बाल कटवाए हैं और कैसे कैसे करके मैंने अपने हेयर को पूरे अच्छे तरीके से मेनटेन किया है. फॉरगॉट से कि मेरी अपने बाल जो है अभी ठीक से हो गए हैं एंड घने भी बहुत हो गए हैं. इसी के साथ साथ मेरे बाल अब झड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी. डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ बट मैं हेयर पे बहुत कम ही एक्सपेरिमेंट देख करती हूँ, इसलिए आपको मेरी हेयर केयर की वीडियोज़ भी नहीं मिलती हैं. तो मैं बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हूँ इसके मामले में, बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ और मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि बालों को ठीक करना ना बहुत ही मुश्किल वाला काम है. बट कुछ मैं शैम्पू एंड कंडीशनर भी इधर उधर हेयर फेयर एंड चेंज करती रहती हूँ, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कमाल के प्रोडक्ट मिले हैं जो कि मैं डेफिनेटली रेजिस्ट ही नहीं कर पाई आप लोग के साथ शेयर करते हुए कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ एंड आप भी अपने बालों को उतना ही अच्छा बना पाओ. तो सबसे पहले कि बालों की प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं एंड उससे पहले आपको मेरा पूरा वीडियो जरूर एंड तक देखना होगा कि मैं किन प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वेल, बालों का झड़ना एक ऐसा हो गया ना कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल झड़ रही है वो है बाल. और सभी लोगों के बाल झड़ रहे हैं, जो पहले मर्दों के अंदर ही देखा जाता था कि बाल उनके ज़्यादा झड़ते थे, अब आप देखोगे कि लड़कियों के बाल सबसे ज़्यादा झड़ रहे हैं. हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम होना, बाल्डनेस होना, बाल पैचेस होना इधर उधर, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम एंड इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं. आपका एनवायरमेंट फैक्टर हो गया, आपके पॉल्यूशन हो गया, आपका खान पान हो गया, आपका स्ट्रेस लेवल हो गया, बार बार फ़ोन चलाना, बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट रहना हर एक चीज़ों के साथ, साथ ही साथ डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करना, हेयर डाइंग, कलरिंग, ब्लीचिंग एंड एवरीथिंग, स्टाइलिंग बस के लिए हॉट टूल स्टार्ट करना एंड इतनी सारी चीजें हैं, तो आप कैसे नहीं अपने बालों को खत्म करोगे. उसको देखो, आपने खत्म तो कर दिए, अब आपको धीरे 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 उनको ठीक करना पड़ेगा. तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे हेड वॉश के साथ. और डेफिनेटली एक अच्छा शैम्पू ना ही केवल आपके बालों के गंदगी को साफ करता है, आपके बालों को मेंटेन करके रखता है, उनको बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं करता, जैसे आपके स्प्लिट एंड्स नहीं होते, ब्रेकेज नहीं होती बालों के अंदर. ब्रेकेज आप देखते हो ना, बालों के ऊपर एक फ्लाई हेयर से चलते रहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेकेज. ब्रेकेज में क्या होता है कि आपके बाल ऊपर से ना कटे कटे दिखाई देते हैं, बाल बीच बीच में से टूट जाते हैं, तो उसको ब्रेकेज की प्रॉब्लम कहते हैं. तो वो सब आपको नहीं देगा एंड अच्छा पीएच बैलेंस आपके स्कैल्प के ऊपर मेंटेन करके रखेगा आपका शैम्पू. जहीं आपने शैम्पू आपका खराब यूज किया तो डेफिनेटली वो स्कैल्प में जाता है. एक कंडीशनर एक ऐसी चीज है जो आप अपने लेंथ में यूज कर रहे हो तो लेंथ में इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन शैम्पू एक ऐसी चीज है जो कि अपने बालों के जड़ों में यूज करते हो, वहां यूज कर रहे हो जहां से बाल निकल ही रहे हैं आपके. तो एक शैम्पू का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो आज मैं जिस शैम्पू के बारे में बात करने वाली जो कि मैं बहुत अच्छे से एक्साइटेड हूँ, सो दैट इज डर्मासाइंस एडवांस हेयर सॉल्यूशन शैम्पू. और ये जो शैम्पू है ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है. लुक आउट द पैकेजिंग फर्स्ट, एंड जो पैकेजिंग है वो एम्बर कलर की पैकेजिंग है डेफिनेटली, एंड पंप पैकेजिंग के साथ ही आता है. 400 रुपीज प्रोडक्ट इसका प्राइस है एंड आप इसको डिस्काउंट पर डेफिनेटली इनकी वेबसाइट से जो है परचेज कर सकते हो. समटाइम वेबसाइट पर बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे होते हैं, 30% to 20% आपको डिस्काउंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. वेल, दिस इज अ नरिशिंग शैम्पू एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस शैम्पू. जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है एडवांस हेयर सॉल्यूशन, तो आपके हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो ये शैम्पू सॉल्यूशन के तौर पर आपको मिल रहा है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शैम्पू, दिस इज द सल्फेट एंड पैराबिन फ्री. तो ये जो है हार्मफुल केमिकल से दूर है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है. साथ ही साथ ये केराटिन के साथ आता है, तो जिनके बाल भी बहुत ज्यादा कर्ली वेवी होते हैं, केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपके बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो आपके बाल अगर बहुत ही ज्यादा खराब है ना तो डेफिनेटली केराटिन वाला शैम्पू आपको अपने बालों के अंदर यूज करना चाहिए, क्योंकि केराटिन एक ऐसा खाना है आपके बालों के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये शैम्पू बेसिकली मैं उन लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ जो कि जिनके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, डल पड़े हैं, उनके आपको बहुत ही ज्यादा बाल्ड पैचेस भी रहते हैं, आपकी स्किन थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत हो गई है आपके बालों के अंदर. तो ये आपके बालों को रिपेयर करेगा, आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंड कैसे उसको यूज करना है बहुत ईजी है. बस थोड़ा सा पंप आपको लेना है, बहुत ज्यादा लगता भी नहीं है एंड अच्छे से आपको अपने स्कैल्प के ऊपर इसको मसाज करते हुए लगाइए एंड रिंस कर दीजिए वाटर के साथ. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंडीशनर का. तो कंडीशनर आप सेम फैमिली से यूज करोगे तो डेफिनेटली आप कॉम्बो में जब चीजें यूज करते हो ना सेम फैमिली की तो वो असर बहुत अच्छा करती है. तो आप हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए, तो जो आप शैम्पू यूज करो आपको वही वाला कंडीशनर यूज करना है. तो यहां पर है मेरे पास डर्मासाइंस का एडवांस हेयर सॉल्यूशन कंडीशनर एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कंडीशनर. वेल, ये तो कंडीशनर ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके बाल एकदम ही खजले से होता है ना, एकदम रफ, ड्राई, ब्लीच किए हुए, ड्राई बेजान से बाल, उनके लिए कंडीशनर दी बेस्ट है. सो वेल, दिस इज अ एंटी हेयर फॉल कंडीशनर.
पाउडर एंड ये आपके बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है। इट ऑल्सो हैज अ केरेटीन, तो या केरेटीन आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, आपके बालों को पोषण देगा। केरेटीन एक खाना है आपके बालों के लिए जो आप इस कंडीशनर के तौर पर अपने बालों के अंदर देंगे। आफ्टर वॉशिंग योर हेयर अप्लाई दिस ऑन योर डैम्प हेयर, आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है, अपने बालों के लेंथ पर इसको लगाना है। अच्छे से लगाइए, 2 मिनट के लिए छोड़िए एंड देन रिंस कर दीजिए वाटर। तो ये दोनों जो डर्मा साइंस के एडवांस हेयर सॉल्यूशन, हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर है, वो बहुत अच्छा काम करता है आपके हेयर के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल की समस्या है, या फिर आपके कलर्ड हेयर है, ब्लीच्ड हेयर है, डैमेज हेयर है, और आपके हेयर के ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, स्प्लिट एंड्स बहुत हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप केरेटिन युक्त जो है शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कीजिए। इसके आप यूज से फर्स्ट यूज से आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा काम करता है। स्कैल्प को बहुत अच्छा रखता है, अच्छे से ट्रीट करता है एंड हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मैनेजेबल हेयर थ्रू आउट द डे, डेफिनेटली जब जिस दिन भी आप अपना हेयर वॉश करने वाले हैं इन दोनों चीजों के साथ। वेल, कहां से आप इसको परचेस करोगे? इसको परचेस करोगे मेरे दिए गए नीचे लिंक्स के साथ, एंड वहां पर जाकर आपको कितने पर आप इसको परचेस कर सकते हो Amazon, Flipkart एंड Meesho से भी, एंड आपको वहां पर 20% ऑफ मिलने वाला है। एंड ये केरेटिन युक्त शैम्पू आपके बालों के लिए खाना है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, तो दिस इज अ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी होता है, और ये लड़के यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो दोनों लोग यूज कर सकते हैं, दोनों अपने वालों को ठीक रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज आप ध्यान में रखिएगा एंड डेफिनेटली इसको परचेज कीजिए एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर, एंड साथ ही साथ शेयर कर सकते हो आप नीचे कमेंट के थ्रू। मैं सभी का रिप्लाई जरूर करूंगी एंड मेक श्योर टू चेक देम आउट। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।